अरे वाह, क्या बात क्या बात। पोखरा में आप आ जाओ, नेपाल में फेवा ताल, वेलकम टू फेवा ताल। तो चलिए फिर आपको हम दिखाते हैं गंगा आरती, वो भी पोखरा का गंगा आरती। क्या क्या नाम है इसका? काकरा। हमारी तो खीरा बोलते हैं। क्या क्या बोलते हैं? बड़ा वाला। अरे उतना बड़ा कौन खा पाएगा? एक चिराई तो खिलाओ फिर। काहे को पूछ रही हो फिर आप सबसे? नहीं नहीं नहीं, एक ही खिला रहे हैं। अच्छा, ये बड़का वाला तो अभी। अरे बाप रे, क्या बात। तो थोड़ा सा खिलाना, छोटा सा है ना? छोटा। ये काकरा है भाई साहब, जैसे हमारे इधर खीरा बोलते हैं वही। हाँ, अरे वही तो लगाएंगे तभी तो टेस्ट आएगा। क्या आप भी, लेकिन ज्यादा तीखा मत करना, नहीं तो फिर तो पानी कहाँ पियेंगे। तो भाई साहब ये है पोखरा साइड का काकरा। पानी भी है, अच्छी है कि नहीं? अच्छी भी है लेकिन तीखा भी है। पानी तैयार रखो। पानी भी है ना इधर? मिल रहा है पानी। ये हमारे तो खीरा बोलते हैं इसे। आप लोगों को खीरा बोलते हैं? हाँ, खीरा। कांकड़ा, कांकड़ी या कांकड़ा? कांकड़ा। और इसमें हल्का सा वो नमक लगा देते हो आप। तैयार हो गया कांकड़ा। ये तो मीठा नहीं है, ये तो खीरा हमारे जैसे ही है पूरा। ये नमक जो लगाया है वो अलग है, मजेदार है लेकिन। तो ये है नेपाली काकड़ा और नमक लगाया गया है, चटपटेदार है, वाकई में चटपटेदार है ये। चटपटेदार अगर आप खाने के शौकीन है तो भाई काकड़ा खाओ। लेक साइड में आप वॉक करोगे तो करेंगे तो क्या खाएंगे? दो चीज़ें, एक काकड़ी, दूसरा क्या? चटपट। भाई साहब मैंने चटपट खाया था, वाकई में बहुत टेस्टी था, मज़ेदार था। और ये भी है भाई, यहाँ पे तो खा खा के मेरा पेट फूल जा रहा है भाई, बहुत खा रहा हूँ मैं। आप यहाँ नेपाल के हो आप? ये पोखरा के? अच्छा, और आप भी यहीं पे ही? सही, काफी अच्छा जगह है ये। वेलकम टू पोखरा। अरे वाह, क्या बात है, सच में मैं भी बहुत खुश हूँ आप लोगों से मिल गया, रियली बता रहा हूँ। तो भाई पोखरा में आप आ जाओ, नेपाल में फेवा ताल, फेवा ताल, वेलकम टू फेवा ताल, है ना? लेक साइड। अच्छा भाई, तो सबका सबको इनविटेशन मिल गया है नेपाल से, तो फिर देरी किस बात की, जल्दी जल्दी बैग पैक करो और जल्दी से आ जाओ पोखरा, जल्दी से। ओके, बाय 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 बाय। भाई साहब मिल गए हैं, मुझे नेपाली बोलना सिखा रहे हैं। आप मेरे टीचर बनोगे नेपाली टीचर? अरे वाह, क्या बात है, सच में बड़ा अच्छा लगा। और आप चाय पिलाओगे? और नेपाली नहीं सिखाओगे मुझे बोलना? और हिंदी भी सिखाऊंगे। अरे हिंदी नहीं सिखाने का? अच्छा, 10 साल रही हो आप? हाँ, कहाँ पे रही हो आप? कहाँ पे? हरियाणा में? तब तो आप हरियाणा पंजाबी बोलती होगी। कैसे बोल के बताना? चलो, एक उसका डायलॉग होता है दंगल का। दंगल का कौन सा? हाँ, दंगल का, सही है। आप हरियाणा में थी? हरियाणा में दंगल वाला सिस्टम होता है। तू करी से जाओगे? हाँ, सॉरी, तू की करी छे? नू कुक करे? ओरे नू के करे या? तू किसकी बहू है? तू किसकी बहू है? एक गाना भी होता है नेपाली, बोलो। हाँ, नेपाली गाना मुझे तो नहीं आता, आप बताओ मुझे, मैं गा के सुनाऊं। उसमें नहीं, फोन में नहीं, ऐसे ही बोलना। हाँ, गाना गा दो। गाना, नेपाली गाना हम सुनने जा रहे हैं भाई, नेपाली लोगों के साथ। चलो चलिए। कांची रे, कांची रे, अरे यार भाई, बारिश, एक मिनट, बारिश भी हो रहा है बहुत अच्छा। और गाना हम शुरू करते हैं, चलिए शुरू करते हैं। बताओ भाई, और ये हीरो है। तो भाई साहब मैं डायरेक्टर नहीं हूँ, मैं कैमरा मैन हूँ, ठीक है? अरे वाह, क्या बात क्या बात। वाकई मुझे समझ में नहीं रखी, लेकिन मतलब वॉइस टोन जो है वाकई में कमाल। और ये आप यहाँ पे देखें, ये चाय बेचती है, लेकिन आवाज वाकई में, आपको सिंगर बनने के लिए ट्राई करना चाहिए, वाकई बता रहा हूँ। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। आप सच में बहुत अच्छा आप गाती हो, रेडी बता रहा, बहुत अच्छा गाती हो। चाय में चीनी नहीं, पीने को क्या मजा, बिस्तर में बीवी नहीं, सोने को क्या मजा। भाई साहब क्या ही बवाल, सार सार था इनका, मजा आ गया भाई, ऐसा मजा आ गया।
आपको ट्राई करना चाहिए सच में, आप बहुत अच्छा गाती हो रेड्डी, बहुत अच्छा गाती हो आप। मतलब हाँ हाँ हाँ, मैं सच में बहुत वाकई में बहुत अच्छा गाया भाई, वाकई में बहुत अच्छा गाया इन्होंने, दिल खुश हो गया। सो गाइस, हिंदी के साथ साथ नेपाली भी गाना, पहले नेपाली गाना फिर उसके बाद से हिंदी गाना। तो वो जो पहले आपने गाया था वो नेपाली गाना तो यही था, इसका मतलब यही था या फिर वो अलग गाना था? अच्छा वो अलग गाना था। भाई साहब जोरदार बारिश आ गया है और अभी जस्ट ये पेड़ पाड़ के नीचे है जो भी हमारा कैमरा भीगता हुआ, पर कोई नहीं वाटर प्रूफ है तो नहीं भीगेगा। तो आप जा रही हैं उधर, चले हम आपके साथ चलते भाई, आप सिंगर हो। तो भाई नेपाल में बारिश और भीगने में जो मजा, मजा ही मजा है। अरे के भैया नू, हम नेपाली बोलेंगे के भैया नू। तो अभी भागते भागते थोड़ा बहुत भीग गया है लेकिन ज्यादा नहीं भीग गया है ना, पानी करके सही है मजा। बारिश भी कितना प्यारा लग रहा है पोखरा में जो देखने में, वाकई में। तो भाई साहब यह है पोखरा की बारिश, किसी भी समय अभी भी हो जा रहा है, जो मजेदार है भाई साहब, मजेदार है। तो भाई साहब जहाँ तक कि आपने इस बारिश में नेपाली सॉन्ग सुना है, बाकी उनके माध्यम से ये यहाँ पे चाय बेचती हैं, पर जितना प्यारा गाया आपने सुना, अभी उनके साथ साथ एक भाई जी आ गए, क्या नाम है भैया आपका? गदी सिवे कठिन नाम है लेकिन बहुत अच्छा नाम है। ये दोनों लोग अपना, आपका क्या नाम है? बीमला रसाई ये हरियाणा में भी कुछ समय तक रह चुकी है। हाँ। और ये गाना बहुत अच्छा गाती है, तो हम चाहते हैं कि आप दोनों लोगों के पास गाना गाएं। अच्छा गाता है। अच्छा ये अच्छा गाते हैं, तो आप साथ दोनों गाओ। हाँ ठीक है। तो भाई बारिश का मौसम भी है, ये प्यारा बारिश हो रहा है, आप गाना गाओ, बड़ा अच्छा। यहाँ आ जाओ, ये लोकेशन सही है यहाँ पे, और आप नेपाली गाना। हाँ तो भाई मैं तो एक्साइटमेंट हूँ भाई, नेपाली गाना तो वाकई में कमाल है भाई साहब, तो शुरू करिए। को जाडो भर चखान आको हो चिया छानी को मोलीले भसाउना काती जाने को मोलीले भसाउना काती जाने को। वाओ वाओ, तो भाई साहब मुझे जहाँ तक पता नहीं है समझ में आया आपको नहीं, लेकिन मैं बता रहा हूँ वाकई में जो टेन अभी तक मैंने यहाँ पे सुना है नेपाली, जितने भी सॉन्ग सुने थे वाकई में पूरा वॉइस जो है मैचिंग है। तो भाई वीडियोस को लाइक कमेंट और शेयर इनके लिए ज़रूर करो भाई, इनके लिए ज़रूर करो, क्योंकि ये फेवा लेक पे आपको हमेशा मिल जाएगी टहलते हुए, है ना। और आप जब भी इनसे मिलना चाहो तो भाई यहाँ पोखरा लेक साइड पर आप आ जाओ और इनसे मिल लो, और इनके पास चाय का एक थोड़ा सा चुस्की भी लो, उसके पास एक प्यारा सा संगीत इनके साथ सुन लो, नेपाली संगीत, ठीक है, बहुत मजा आएगा आपको वाकई में, क्योंकि पोखरा है ही अद्भुत और अविश्वसनीय और अकल्पनीय। तो दोस्तों फिलहाल आपने देखा हर एक चीज़ लेक साइड की तरफ का, अब हम चल रहे हैं गंगा आरती देखने, वो भी लेक साइड का, जो कि काफ़ी फेमस अब ये आरती हो गया है और इसे मिस हम नहीं कर सकते हैं। तो चलिए फिर आपको हम दिखाते हैं गंगा आरती, वो भी पोखरा का गंगा आरती। बारिश हो रहा और कितना प्यारा गंगा आरती हो रहा पोखरा में, वाकई में अद्भुत है ये नजारा। अब देखा पोखरा की गंगा आरती कैसी होती है, वाकई में काफी
काफ़ी अच्छी आरती हुई यहाँ पे पोखरा में, और वाकई में दिल खुश हो गया क्योंकि यहाँ पे आरती देखने को मिला है, मतलब यार एक कुछ नया ही देखने को मिला है और बहुत अच्छा लगा। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियोज़ में बस इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियोज़ में, तब तक के लिए हर हर महादेव।